Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are discussing atoms and molecules. And this is video lecture number 5. I hope you have already watched part 1 to part 4 before watching this part 5. This is a video in which we will discuss about the mole concept. Pichli class mein humne baat kiya tha ki kisi bhi compound ke formula ko kaise likha jata hai. I hope aap achi tarah se samajh gaye honge aur aapko jo homework diya hai kya hai ki nahi kya hai. क्या भी होगा और सारे वैलेंसी आप याद किए होंगे और बहुत सारे कंपाउंड लिख के खुद प्रैक्टिस किए होंगे. आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं कि मोल क्या है. तो ये क्लास बेसिकली मोल कांसेप्ट सीखने के लिए, व्हाट इज मोल एंड व्हाट इज मोल कांसेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोल कांसेप्ट. सो द टॉपिक इज मोल कांसेप्ट टुडे, मोल कांसेप्ट. लेकिन ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहेंगे कि जो हमारा मोल है वो है क्या. मोल एक काउंटिंग नंबर होता है. मोल क्या है? नथिंग एल्स बट ए काउंटिंग नंबर. मोल इज काउंटिंग नंबर. काउंटिंग नंबर, व्हाट इज दिस काउंटिंग नंबर एंड व्हाट द काउंट एग्जैक्टली, व्हाट द काउंट. सो दिस नंबर काउंट्स, दिस नंबर काउंट्स what number of atoms, molecules and ions, number of atoms, molecules or ions, ions particles, right na, protons, electrons, etc. ये सबको ये calculate करता है. ये नंबर ये काउंट करता है कि कितने एटम्स हैं, एटम्स कितने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं, आयंस कितने हैं, पार्टिकल्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं. ये एक काउंटिंग नंबर्स है और इस नंबर को, ये नंबर जो होता है वो फिक्स्ड होता है. इस काउंटिंग नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं. एवोगाड्रो नंबर नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये नंबर होता कितना है, ये काउंटिंग नंबर होता कितना है, ये होता है 6.022 into 10 to the power 23. इसका मतलब है कि ये नंबर है जो किसको किसको काउंट करता है. ये काउंट करता है एटम्स को, ये काउंट करता है मॉलिक्यूल्स को और ये काउंट करता है आयंस को, ये काउंट करता है और पार्टिकल्स को. ये एक नंबर है जो सबको काउंट करता है. अब सवाल है कि नंबर आया कैसे और इस एवोगाड्रो नंबर को जो 6.022 into 10 to the power 23 कहा, ये मोल से कैसे रिलेटेड है, हाउ दिस रिलेटेड विद द मोल्स. सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं. एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं जिसमें H2 plus O2 एक रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चों, वाटर. यहाँ पे 2H2O लिखा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 ऑक्सीजन होने चाहिए. स्टेट 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 4 है, इसका मतलब ये हुआ. इसको थोड़ा और एनालिसिस करें तो ये 2H2 का मतलब क्या हुआ, H2 का मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ हो गया 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड यहां पे क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ये कह सकते हैं यानी दैट कैन बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज, दिस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, एक्सप्रेस्ड एज वर्बली लाइक 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. वी कैन से 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, molecule of hydrogen react chemically, react with 1 molecule of oxygen, react with 1 molecule of oxygen, molecule of oxygen and form, which form 2 molecule of water, 2 molecule of water, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, ये एक इन्फेरेंस हो गया.
एक दूसरा इन्फरेंस ये हम निकाल सकते हैं क्या कि हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास होता है 1U, दो हाइड्रोजन का 2U हो गया, और दो मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन के हो गए 2U, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हो गए 4U. 4U ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विथ 4U ऑफ हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म 36U, टू फॉर्म 36U ऑफ वाटर. यानी ये मास के टर्म्स में है, एटॉमिक मास के टर्म्स में है. एटॉमिक मास को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफाइड मास. तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U होता है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएंगे 4U. ये एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ऑक्सीजन का मिला के क्या हो गया 32U. और ये 2 + 16 = 18, एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल का होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल का हो गया 36U. यानी मास के टर्म्स में अगर एक्सप्रेस करें तो हम कह सकते हैं कि 4U ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन व्हिच विल प्रोड्यूस 36 यूनिट ऑफ यूनिफाइड मास ऑफ वाटर. तो मास के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा रहा है. यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, यहाँ पे मास के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है. दो तरीके हैं इस केमिकल रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट. सो इन केमिकल रिएक्शन इट इंडिकेट्स व्हाट, इंडिकेट्स दैट द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स takes part in chemical reaction directly. It indicates in chemical reaction, and it will be more convenient. It is more convenient that we know so chemical reaction. So it is convenient to count the number of atoms or molecules take part in chemical reaction rather than their masses. So here the new concept developed in which we will count the number of molecules or number of atoms which will take part in chemical reaction, and that is called mole. So 1 mole is that quantity of atoms, molecules, ions or any other particles. 1 mole is that quantity of atoms, molecules or ions or any other particle of a substance which contain as many as number whose mass is equal to atomic mass
और मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट एटम और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, ग्राम्स. What is the meaning of this? This is a complex definition bit, but I can simplify them. ये कहने का मतलब ये है कि एक मोल उतनी क्वांटिटी ऑफ एटम को कहेंगे, उतनी क्वांटिटी को जिस क्वांटिटी का टोटल एटॉमिक मास उस एटम के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करने के बराबर होना चाहिए. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12U है, तो 12 ग्राम कार्बन लाने के लिए, 12 ग्राम कार्बन के लिए कितने एटम्स की जरूरत पड़ेगी, यानी U को ग्राम में एक्सप्रेस करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12U, U यूनिफाइड मास. सो नाउ वी नीड दैट हाउ मेनी द नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड फॉर 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड, are called one mole. It's called one mole. One mole. कितने ऐसे चाहिए? And that number is fixed. So how many numbers of carbon atoms are required for 12 gram of carbon? That is fixed number, and that number is actually 6.022 into 10 to the power 23 atoms required for 12 gram carbon, right? So this number, which is expressed in terms of gram, which is required to make carbon 12 gram carbon, that is, this is the number, and this number is called one mole. Similarly, this number is fixed. If I say one atom of oxygen, similarly, if I am saying one atom of oxygen is what? 16U. Mass of one atom of oxygen? Mass of one atom of oxygen, that is atomic mass, is 16U. And for 16 gram of oxygen, how many atoms required? 16 gram of oxygen, the number of atoms required, 16 gram of oxygen, the number of atoms required is, number of atoms required is 6.022 into 10 to the power 23 atoms, right? इसका मतलब यहाँ पे ये भी फिक्स है, चाहे 16 ग्राम हमें ऑक्सीजन का लानी हो तब भी इतना ही नंबर चाहिए, ये फिक्स नंबर है. चाहे 12 ग्राम कार्बन चाहिए तब भी इतना ही नंबर है. 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो उसके भी इतने ही एटम्स चाहिए, यानी ये नंबर किसी भी एटम के लिए फिक्स्ड है. इतने एटम्स चाहिए, 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम्स होते हैं, 1 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने एटम्स होते हैं, 23 ग्राम सोडियम में, ऑफ सोडियम अगर हम कहें तो उसमें भी इतने ही होते हैं, 23 ग्राम ऑफ सोडियम कहें तो उसमें भी इतने ही होते हैं. कितने एटम्स उसके लिए भी चाहिए? इतना ही चाहिए. तो ये कितने भी हो, कोई भी एटम्स हो, उसमें उतने उसके एटॉमिक मास के बराबर अगर ग्राम में उसको एक्सप्रेस करें तो जितने एटम्स की जरूरत होती है वो एक फिक्स नंबर होती है, और इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं. तो वन मोल इज हाउ मेनी एटम्स? वन मोल मीन्स 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स, ये हो गया, ठीक है. सिमिलरली वी कैन से वन
molecular mass of one molecule of say water is how much? That is H2O. H2O is 1 into 2 plus 16, that is 18U. So 18U is 1 molecule of water. 18U is 1 molecular mass of water. Right? 18U is molecular mass of water. Now for 18 gram water, how many molecules are required? So it is experimentally verified that 18 gram of water required how many molecules? 6.022 into 10 to the power 23 molecules of water. Molecules of H2O. Itna H2O ke molecule chahiye 18 gram mein. Ye U hai. Aur agar 18 gram chahiye aapko, तो आपको 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2O चाहिए। इसी तरह से अगर मान लो कि मैं कहूँ कि CO2 का molecular mass निकालें, molecular mass of CO2 is how much? CO2 is 12U plus 16 into 2, that is 32. So 32 plus 12 is equal to how many? 44U. 16U into 2, that is 44U. So 44U means is molecular mass of CO2. For 44 gram of CO2, how many molecule of CO2 required? So to find 44 gram of CO2, 44 gram of CO2 require how many molecules? Required 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2O, molecules of CO2, right na? Itna CO2 chahiye. Yani jab kisi bhi molecule ko gram mein, uske molecular mass ko gram mein express kare, to uske liye jitne molecules chahiye वो कहलाएगा 1 मोल, यानी ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड दैट मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज फिक्स एंड दैट इज आल्सो 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 हियर आल्सो फिक्स व्हेदर इट इज 1 ग्राम ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर और 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. Similarly, if I consider another example, say CaCO3, molecular mass of CaCO3, molecular mass of CaCO3, right, CaCO3, it means molecular mass of calcium, that is 40U, plus molecular mass of carbon, that is 12U, and plus molecular mass of 3 atoms of oxygen, that is 16U into 3. So total is 100U. Now this is 100 unified mass. For 100 gram, how many calcium carbonate molecules are required? So 100 gram of CaCO3 require how many molecules? 6.022 into 10 to the power 23 molecules of CaCO3. It means whether this is atom or it is a molecule, this number is fixed. And this number is called Avogadro number. Avogadro number. This number is constant and that is called Avogadro number, represented by capital N. So whether it is an atom or in molecules, it is always a fixed number required for any, if this atomic mass or molecular mass is expressed in terms of gram, if it is terms in express of gram. So when atomic mass expressed in terms of gram, then it is called gram atomic mass, right?
when atomic mass expressed in terms of gram, when atomic mass of an atom is expressed in grams, it is called gram atomic mass, right? For example, if I say that atomic mass of sodium, that is Na, is 23 U, right? So 23 gram of Na is called gram atomic mass. And 23 gram of sodium contains how many molecules? 6.22 into 10 to the power 23 atoms of sodium. इसका मतलब हुआ कि ग्राम एटॉमिक मास और इतना को हम क्या कहते हैं? That is called 1 mole, right? तो इसका मतलब 1 mole of sodium atom. So 1 mole of sodium atom is containing 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium, and that is also called gram atomic mass. So gram atomic mass is also equal to 1 mole of sodium. So similarly, for any other atoms, if I express this atomic mass in terms of gram, then that will be considered as 1 mole. So definition comes out that gram atomic mass is also called 1 mole. Gram atomic mass is called 1 mole. It's called mole. So when things are expressed in gram, atomic mass expressed in gram, then this is called 1 mole. Gram atomic mass is called 1 mole. If atomic mass of an atom expressed in gram, then it is called one mole, right? तब उसको हम एक मोल कहेंगे, ठीक है? अब बात करते हैं मॉलेक्युलर मास की. तो मॉलेक्युलर मास ऑफ से NaCl की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा? Na का मास 23 U एंड क्लोरीन का 35.5 U, दैट इज 58.5 U इज मॉलेक्युलर मास ऑफ NaCl. Now, in 58.5 gram of NaCl, if it is expressed, then this is called gram molecular mass of NaCl. And इतना ग्राम में अभी हमने सीखा कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं. 58.5 ग्राम ऑफ NaCl में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या? तो NaCl. और इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl को, यानी इतने ग्राम में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? 1 मोल. इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूलर मास व्हेन एक्सप्रेस इन ग्राम, देन इट इज कॉल्ड 1 मोल. दैट इज आल्सो वन ऑफ द डेफिनेशन, दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, it is called gram molecular mass, gram molecule,
ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, राइट ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और दिस इज आल्सो कॉल्ड मोलर मास, मोलर मास, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड वन मोल. सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल इज आल्सो कॉल्ड वन मोल. दैट मीन्स वी कैन से ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वन मोल, वन मोल. इट मीन्स व्हेन मॉलिक्यूलर मास, मास एक्सप्रेस, मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस इन ग्राम, और मोलर मास इज कॉल्ड वन मोल, मोलर मास इज कॉल्ड इन ग्राम इज कॉल्ड वन मोल, इज कॉल्ड वन मोल, वन मोल. Molar mass is called one mole. Molar mass or molecular mass is the same thing, but when it is expressed in terms of gram, then it is called one mole, right? इसका मतलब ये हुआ कि gram atoms हो तब भी, gram molecules हो तब भी, उसको हम क्या कहेंगे? One mole. तो इसी तरह से direct एक बात आ गई कि gram atoms और gram molecules are called one mole. That is ग्राम एटम्स और ग्राम मॉलिक्यूल्स, और ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम का सेंस क्या है कि व्हेन एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, एंड ग्राम मॉलिक्यूल का मास व्हेन मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड वन मोल, वन मोल. ठीक है, और नंबर की बात कहें तो क्या कहेंगे कि 6.022 into 10 to the power 23 atoms या molecules या ions क्या बनाता है? एक मोल. सो हम कह सकते हैं कि an assembly of, assembly of यानी समूह, group of, assembly of 6.022 into 10 to the power 23 atoms, molecules और ions etcetera, any particles, an assembly of 6.022 into 10 to the power 23 atoms, molecules or ions is called one mole, it's called one mole. ये भी एक definition हो गया कि इसकी इतनी संख्या, atoms की इतनी संख्या, या molecules की इतनी संख्या, या ions की इतनी संख्या को हम क्या कहेंगे? एक mole. यानी कितनी संख्या? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स को एक मोल कहेंगे, या 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स को एक मोल कहेंगे. अभी हमने सीखा है कि वाटर मॉलिक्यूल, जैसे हमने कहा कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में इतने एटम्स चाहिए, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स चाहिए, 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स चाहिए? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स चाहिए. तो ये 6.022 into 10 to the power 23 जो नंबर है वो फिक्स्ड है, चाहे वो एटम के लिए चाहिए, चाहे 16 ग्राम ऑक्सीजन में चाहिए, या 12 ग्राम कार्बन में चाहिए, या 1 ग्राम हाइड्रोजन में चाहिए, या 40 ग्राम कैल्शियम में चाहिए, इन सब में इतने ही एटम्स चाहिए. उसी तरह से एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में इतने ही मॉलिक्यूल चाहिए, सॉरी 18 ग्राम वाटर में इतने ही मॉलिक्यूल चाहिए, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इतने ही 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में भी 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए. इसका मतलब मॉलिक्यूल्स को एक ग्राम में एक्सप्रेस करें तब भी इतने ही मॉलिक्यूल्स चाहिए, 6.022 into 10 to the power 23. अगर एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तब भी इतने ही चाहिए, 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स. तो ये संख्या फिक्स है, चाहे एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, चाहे प्रोटॉन्स हो, ये संख्या फिक्स है, इतने ही चाहिए अगर हम उसे ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं. तो ये जो पहली बात अब हमने बताई थी, जो सबसे पहली बात बताई थी, उस बात का पे अब ये फिर दोबारा आते हैं कि मोल क्या है.
तो मोल एक संख्या है, काउंटिंग नंबर है, और ये नंबर क्या बताता है कि किसी भी एटम के मास में, एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करने के लिए, ग्राम में उसको अगर एक्सप्रेस करें तो जितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की जरूरत होती है उस संख्या को, उस काउंटिंग नंबर को हम एक मोल कहते हैं। यानी मोल क्या हुआ, जैसे 6.022 × 10³ whether atoms or molecules or ions or any other particles is called mole. तो इसलिए हम कहेंगे कि an assembly of 6.022 × 10³ atoms, molecules or ions is called one mole. बात समझ में आ गई? तो ये मोल हुआ, यानी मोल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये नंबर्स कैसे आते हैं, ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी एटम को ग्राम में एक्सप्रेस करने पर या मॉलिक्यूल को ग्राम में एक्सप्रेस करने पर वजन, उसका मास रिप्रेजेंट करता है। तो एक मोल ऑफ H2O की अगर हम बात करें तो इसका मतलब 18 ग्राम। इसी बात को अब दोबारा रिवर्स तरीके से लिखते हैं कि अगर वन मोल, अब हम कहें कि वन मोल ऑफ H2O तो इसका मतलब हो गया कि 18 ग्राम, न कि U, 18U नहीं लिख सकते, 18 ग्राम। वन मोल ऑफ CaCO3 इसका मतलब हो गया कितना, 100 ग्राम। वन मोल ऑफ अगर मैं कहूँ CO2 तो इसका मतलब क्या हो गया, 44 ग्राम। यानी ये सब चीजें ग्राम में अब एक्सप्रेस होंगी तो हम उसे मोल कहेंगे। या तो ये ग्राम में एक्सप्रेस होंगी या नंबर में एक्सप्रेस होंगी। और नंबर कैसा होगा कि वन मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, इतने मॉलिक्यूल्स चाहिए। वन मोल ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू कितना, 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3, इतने मॉलिक्यूल्स का वजन होगा वन मोल में, इतने नंबर चाहिए। वन मोल ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ कितना, तो CO2, ये चाहिए। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं कहूं हाइड्रोजन, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम, तो इसका मतलब हुआ कि ये 1 ग्राम, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 ग्राम, 1 ग्राम। अगर वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें तो अगर मैं कहूं कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब क्या हो गया, कितने वो कहेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होते हैं तो उसका वजन क्या हो गया, 2 ग्राम। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें क्या होगा, इसमें होंगे 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, 2, तो इसलिए आप लिख सकते हो 2 × 6.022 × 10³ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। इसी तरह से अगर एक दूसरा एग्जांपल लो तो ये कह सकते हैं कि वन मोल ऑफ, इसी पे लिख लेता हूँ। इसी तरह से अगर एक दूसरा एग्जांपल लिया जाए तो बोलूं कि वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट मींस व्हाट, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब हो गया कितना, तो वन मोल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब 16 ग्राम। और इसका मतलब क्या हो गया, 6.022 × 10³ एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं कहूं कि वन मोल ऑफ, ये बात कहा जाए कि वन मोलिक्यूल ऑफ, मोल ऑफ ऑक्सीजन, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज इक्वल टू वन
मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम। अब ये क्या है कि एक ही मोल ऑफ 16 ग्राम और एक मोल यहाँ पे हम 32 ग्राम कह रहे हैं, दोनों में थोड़ा कंट्राडिक्शन होती है कि भाई हम कैसे माने कि ये 16 ग्राम के बराबर एक मोल है कि 32 ग्राम के बराबर एक मोल है। ये दोनों बातें एक साथ हो रही है। ऊपर में भी लिखा है कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम एंड वन मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 2 ग्राम। तो ये चीज डिस्टिंग्विश करेगा कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो 1 ग्राम के बराबर होगा, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो 2 ग्राम के बराबर होगा। तो वैसे ही वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ ये शब्द डिफाइन होना चाहिए, तब ये 16 ग्राम के बराबर होगा। और वन मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा तो ये होगा कितना, ये होगा 32 ग्राम के बराबर। अगर वन मोल ऑफ इतना तो ये होगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ये होगा 32 ग्राम के बराबर। और इसमें 6.022 × 10³ एटम्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ये भी समझने वाली बात है कि दोनों चीजें एक साथ कैसे, ये वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहेंगे तो उसमें इतना मॉलिक्यूल होता है, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कहेंगे तो उसमें इतना एटम होता है और इतना मॉलिक्यूल होता है, और एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 2। तो टोटल नंबर ऑफ इतना मॉलिक्यूल कह लो या 2 × 6.022 × 10³ एटम्स कह लो, बात बराबर है। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वन मोल ऑफ एटम्स में एटम्स रहता है, मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल्स रहता है। और इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक मोल में कितने या तो नंबर रहेंगे या ग्राम में रहेगा। ठीक है, या तो नंबर में या ग्राम में, तो या तो हम नंबर में एक्सप्रेस करें या ग्राम में एक्सप्रेस करें, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज वन मोल, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम में कितने हो जाएंगे, 2 मोल, राइट ना। तो क्वेश्चन ऐसे कुछ हो सकते हैं कि हाउ मेनी मोल्स इन, क्वेश्चन हाउ मेनी मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो आपको पता है कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 1 मोल, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 1 मोल, है ना। तो 1 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 1/16 मोल। तो 64 ग्राम में कितने हो जाएंगे, अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 मोल, यानी कितने हो जाएगा, 4 मोल, तो 4 मोल हो जाएंगे, 4 मोल 64। यानी अब इसको कुछ लोग फॉर्मूला पे याद रखते हैं, फॉर्मूला बेस्ड याद रखने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, कैसे फॉर्मूला बनाएंगे इसका, फॉर्मूला कोई आसमान से नहीं टपकता, वो बनाना पड़ता है। कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन ग्राम, गिवन मास इन ग्राम, ठीक है, एटॉमिक मास इन ग्राम, ये भी होता है। तो आप इसको गिवन मास इन ग्राम कितना है, 64, एटॉमिक मास कितना है, 16, क्या हो गया, 4 मोल। इस तरह से आप फॉर्मूला भी बना सकते हैं। ठीक है, यही बात अगर पूछ दिया जाए कि हाउ मेनी मोल्स, सेम क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, हाउ मेनी मोल्स आर इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना लिखेंगे, वन मोल ऑफ, उसी तरह से फिर हो जाएगा, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 32 ग्राम, राइट ना, 32 ग्राम, क्योंकि O2 होता है और ये 16 × 2 32 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि 32 ग्राम में एक मोल होता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। सो 1 ग्राम में कितने होंगे,
1/32 मोल, यूनिटरी मेथड। सो 64 ग्राम में कितने होंगे बताना है, तो हम क्या कर देंगे, ये 1/32 × 64 मतलब कितने, 2 मोल। तो 64 में ग्राम में 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होता है और 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ये समझ में आना चाहिए। अभी भी 64 ग्राम की ही बात कर रहे हैं, बट इस 64 ग्राम में यहाँ पर 2 मोल जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के 2 मोल है और एटम के 4 मोल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला आ जाएगा कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, गिवन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास इन ग्राम, इन ग्राम, ठीक है, ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, इन ग्राम। तो इससे भी बात बन जाएगी, इससे ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये हो गया क्या, तो 64/32 मॉलिक्यूलर मास 32 है तो ये आ गया 2 मोल। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, आगे नंबर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए नंबर में अगर ये पूछा जाए कि भाई हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, ये पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी एटम्स आर, हाउ मेनी एटम्स आर इन 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ठीक है, हाउ मेनी एटम्स आर 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये पूछा जाए तो 1 मोल में कितने होते हैं जी, सिंस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू व्हाट, 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एंड देयरफॉर 1.5 मोल में कितने हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 6.022 × 10²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 15 × 33, ये हो गया 15 × 3 कितना हो गया 90, सो 90 ये हो गया। अब आपको डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगाना था, राइट ना, सो व्हाट विल हैपन, 3 और 1 4 डिजिट के बाद, यानी ये हो गया 9.033 × 10²³ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये कोई बड़ी बात नहीं है, इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो 1 मोल में इतने होते हैं, एन मोल में कितने होंगे, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कह सकते हैं इसको फॉर्मूला वाइज कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एन इंटू 6.022 × 10², ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, इन एन मोल, इन एन मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन मोल, इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यहां साफ साफ लिख देता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एन मोल इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ दिस, नंबर ऑफ एटम्स इन एन मोल इज एन टाइम्स ऑफ 0.22 × 10²³ एटम्स, एटम्स ये आएगा एटम्स, और यहां पे आएगा ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है कहीं पर भी तो आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी कैल्शियम कार्बोनेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaCO3 इन 12.044 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कितने मोल्स होंगे ये बताना है, हाउ मेनी मोल्स आर इन, ठीक है ना, दिस। तो अब आप कैसे निकालोगे, सॉल्यूशन ये होगा कि 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CaCO3, ठीक है, सो देयरफॉर
इतना में कितना होगा, ये डबल है तो डबल में 2 मोल होगा। आप ये यूनिटरी मेथड से कहें तो ये क्या हो जाएगा, 1/1/6.022 इंटू 10^23 मोल्स हो जाएंगे एक में, एक मॉलिक्यूल में इंटू 10^23 में। अब आपको निकालना है therefore 12.044 इंटू 10^23 में कितने, तो आप क्या कर सकते हैं, यही करेंगे 6.022 इंटू 10^23 इंटू 12.044 इंटू 10^23, 10^23 से कट गया और इसे दो बार में कट गया तो कितने आ गए, 2 मोल। यानी नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आएगा फॉर्मूला ध्यान से देखिए, क्या किया हमने, नंबर ऑफ गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर्स, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू, n अगर निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स की संख्या निकालनी हो n, तो आप लिखेंगे क्या, गिवन नंबर्स, गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ये कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, यानी n, ये निकल जाएगा कैपिटल n इसको कहते हैं, तो इससे आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपकी बुक में दी गई है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर लिखें, हमारा ईमेल आईडी है arvindsinghacademy@gmail.com, और कहीं कोई दिक्कत और आती है तो आप निश्चित रूप से लिखें हमें, और वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मजे में रहें, आनंद रहें, और जब भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर याद करें। आई होप आपने खूब इंजॉय किया होगा, ये टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल इसी के साथ खत्म होता है, बेसिक जानकारी जितनी चाहिए थी उतनी हमने दे दी है, और अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस, बाय बाय।